थोड़ी देर में ले आना। जानकारी में है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जगह मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसको लेकर सतत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी तारतम्य में अवैध हथियार, अवैध शराब या मादक पदार्थों को लेकर हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। इसी में हमें एक मुद्दे के माध्यम से अवैध हथियारों की एक जानकारी मिली कि एक व्यक्ति द्वारा जो बहुत ही शातिर अपराधी है, अंतर्राज्यीय उसके अपराध रहे हैं, तो वो कुछ संख्या में हथियार लेकर आ रहा है। इस सूचना को हमारी टीम ने SDP बामोर और थाना मुगलबाग की पुलिस और हमारी साइबर सेल की पुलिस ने डेवलप किया और बताए गए स्थान पर जब चेकिंग के माध्यम से उसको रोककर इससे तलाशी ली गई तो उसके सामान में से हमें करीब 17 नग 315 बोर के कट्टे मिले और करीब 13 नग उसमें हमें कारतूस जो है 315 बोर के हमने से जब्त किए। ये अपराधी मूलतः ग्वालियर का रहने वाला है और इसके ग्वालियर बैंड वगैरह ऐसी अन्य जगहों पर भी अपराध हैं। कुछ अन्य राज्यों में भी इसके अपराधों की जानकारी मिली है जो निकलवा रहे हैं। इसके पास इसको भी हमने PR पे भी लिया है और मामला पंजीबद्ध करके और इसके पास से जो हमें मोबाइल वगैरह इसके थ्रू जो हमें पता चला है तो इसका अन्य राज्यों में भी हथियार सप्लाई करने का जानकारी हमें मिली है और कुछ अन्य साथियों के बारे में भी हमें पता चला है। तो अभी हम लोग इस पूरी जानकारी को डेवलप कर रहे हैं। जैसे जैसे और हम लोग को इसमें क्लियर कट एविडेंस मिलेगा, जानकारी प्राप्त होगी, उसके आधार पर अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है और उनसे हमें अन्य हथियार बरामद होने की भी संभावना है। क्या लगता है निश्चित रूप से अपराध कार्य करते हुए और चुनाव के समय क्योंकि लाइसेंसी हथियार के साथ भी जानकारी में वो जमा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं संभावना थी कि हथियारों का प्रयोग जो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए हम लोग कंटिन्यूसली लगे हैं क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पे इस तरह का इतिहास रहा है। तो हमारा प्रयास है कि बिल्कुल इस तरह की कोई भी गतिविधियाँ नहीं होंगी, जो भी ऐसी गतिविधियाँ करने का प्रयास करेगा या इसमें संलिप्तता की हमें जानकारी मिलेगी उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी।